मैंने आज अपना टेस्ट कराया तो मेरा दोनों टूब मतलब खुल चुकी है, बच्चों का उम्मीद भी है। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। माय सेल्फ डॉक्टर ईशा, एंड बहुत खुशी होती है हम लोगों को ऐसे केसेस को डिस्कस करना जहाँ जो एक मोटिवेशन बनते हैं, जो कि उन लोगों के लिए जो कि बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं। मोस्ट इनफर्टाइल कपल्स में मैं ये देखती हूँ, सबसे प्रॉब्लम की बात ये रहती है कि वो स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं, एक नेगेटिव अप्रोच बन जाता है। जैसे जैसे साल बढ़ते जाते हैं मैरिज को, वैसे वैसे नेगेटिविटी बढ़ती जाती है, एक नेगेटिव अप्रोच हो जाती है कि ये भी चीज ट्रीटमेंट वर्क नहीं करेगा। सिमिलरली दिस इज अ केस ऑफ मिसेस शीला, जिनकी मैरिज को 12 इयर्स हो गए हैं, ऑल्दो उनकी एज 40 प्लस है। फेलोपियन ट्यूबल ब्लॉकेज का ये केस था, एंड 5 मंथ्स के ट्रीटमेंट से जस्ट विद द मेडिसिन, नो पंचकर्मा थेरेपीज, उनकी जो ट्यूब्स हैं अब ओपन हो चुकी हैं। एंड आई एम प्रेटी मच श्योर मुझे अब नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में उनके फॉलिकल्स पे वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी एज ज़्यादा है तो मुझे उनके फॉलिकल की नरिशमेंट करनी पड़ेगी फॉलिकल नरिशिंग हर्ब्स से, ताकि उनकी फॉलिकल एक अच्छी क्वालिटी का फॉलिकल बने। एंड ईटी उनकी थोड़ा सा थिन है, जो कि ईटी हमें चाहिए। मैं अगर उनकी ईटी 12 mm तक या 11 to 12 mm तक ले आती हूँ तो आई एम प्रेटी मच श्योर कि इम्प्लांटेशन भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो फेलोपियन ट्यूबल ब्लॉकेज के आज रिपोर्ट्स उनके आए हैं, जो कि ओपन हो चुके हैं, शी इज़ वेरी मच हैप्पी। अब नेक्स्ट जो है, जब भी वो कंसीव करेंगी, डेफिनेटली देर आर फ्यू पेशेंट्स जो बहुत ही आफ्टर कंसेप्शन और पेशेंट्स की मोटिवेशन बनते हैं, एंड कुछ लोग होते हैं वो हेजिटेट करते हैं। लाइक अगर हम 10 पेशेंट्स की ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं जहाँ पर ट्यूबल ब्लॉकेज ठीक हो गई है या प्रेगनेंसीज हो गई, उनमें से 1 ऐसा होता है जो यहाँ पर आके अपने वीडियोस जो है, अपने रिव्यूज से बाकी सबके लिए एक मोटिवेशन बनता है। तो ये वीडियो आप ज़रूर इनका देखिए, ये आप सबके लिए एक मोटिवेशन है, क्योंकि एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं, मेडिसिन तो बहुत इफेक्टिव हैं, डाइट चार्ट्स एंड लाइफ स्टाइल्स, वो मॉडिफिकेशन सब हम बताते हैं। एक चीज़ जिस पे हम बहुत ज़्यादा वर्क करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, वो आपका अपना माइंडसेट है। क्योंकि मैंने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है, बहुत बार बहुत ऐसे केसेस होते हैं जो हमें भी कई बार इम्पॉसिबल से लग रहे होते हैं, आई डोंट थिंक सो कि इनकी कंसेप्शन हो पाएगी। पेशेंट्स को हम बोल देते हैं कि आपके मुझे 40% चांसेस लग रहे हैं, बट वो पेशेंट्स का जो विल पावर स्ट्रांग रहता है ना, उन पेशेंट्स में जो कॉर्टिसोल हार्मोन शायद कम रहता है, जिस वजह से अच्छे फॉलिकल्स भी बनते हैं एंड मिरेकल प्रेगनेंसीज देखने को मिलती हैं, वो पेशेंट्स हमें भी हैरान कर देते हैं। ये भी इनका भी ऐसा ही केस होने वाला है मिसेस शीला, आई थिंक सो कि नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में हम यहाँ पर आपका प्रेगनेंसी का रिव्यू शेयर करते होंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपकी ट्यूब्स ओपन हो गई हैं, जैसे ट्यूब्स ओपन हुई हैं वैसे ही एक दिन यहाँ पर आपकी प्रेगनेंसी का वीडियो भी हम शेयर करते होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आप अभी इनका वीडियो देखिए। एंड ऑल दोज पेशेंट्स जो ज़्यादा टाइम हो गया है मैरिज को एंड बिल्कुल डिसहार्टन हो गए हैं, डिसहार्टनिंग नहीं होनी चाहिए प्रेगनेंसी के लिए। जब तक आपको पीरियड्स आ रहे हैं 41, 42, 43, 44 में भी हमने कंसेप्शंस देखी हैं बहुत अच्छे तरीके से, एक ही अच्छा क्वालिटी का फॉलिकल अगर हमें मिल जाता है और अच्छी ईटी मिल जाती है, स्पर्म की क्वालिटी को उधर से हम एनहेंस कर देते हैं, तो प्रेगनेंसी डेफिनेटली पॉसिबल रहती है। मेरा नाम शीला है, मेरी शादी को 12 साल हो गया था, मेरा दोनों ट्यूब बंद हो गई थी, तो मैंने बहुत इलाज कराया, कहीं से नहीं मेरे को उम्मीद था, लेकिन कि अब ऐसा लगता है कि उम्मीद है मेरे को, मेरा दोनों ट्यूब खुल गया, अब मेरे को बच्चा का उम्मीद भी है कि होगा। मेडिसिन खा रही हूँ मैं, 5 महीना हो गया।